दोस्तों नमस्कार, टीवी इंडिया के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान एक ऐसे फाइटर हैं जिन्होंने अपने संकल्प और संघर्षों के जरिए तमाम मुकाम हासिल किया है। इम्पोर्टेंट बात और एक कह रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो डिमांड रजिस्टर हो चुकी है, गवर्नमेंट को मालूम है कितने घरों की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, इसीलिए हाउसिंग फॉर ऑल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ये नोट करने वाली बात है। तो इसीलिए खर्चा जब तक नहीं होगा तब तक मार्केट रोल नहीं होगा, तब तक लेबरों को काम नहीं मिलेगा, तब तक इंडस्ट्री को काम नहीं मिलेगा। कि अगर एक 100 एकड़ एरिया डेवलप होता है कहीं, तो आपको 1000 करोड़ से ज्यादा उसमें इनकम मिलता है। आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, देन जीएसटी, इसके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, इतने बड़े पैमाने पर अगर आपको फंड मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, मार्केट एकदम बूम हो सकता है। ऐसे चीजों को सीरियस क्यों नहीं लिया जाता? इम्पोर्टेंट बात और एक कह रहा हूं, मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि एक औरत को अपनी डिलीवरी करने के, बच्चा डिलीवरी करने के लिए जितनी तकलीफ नहीं होती होगी, उससे ज्यादा एक ऑक्यूपेंसी मिलने को, मतलब जहां से एक लैंड परचेस होती है तो एक्चुअली बिल्डिंग बनने के बाद उसका यूनिट बन जाता है। yes. और वो बच्चे मतलब जैसे फ्लैट्स बन जाते हैं, तो वो फायदा करने में जितनी तकलीफ बिल्डर को उससे ज्यादा होती है। पर सवाल पूछ रहा हूँ आपको कि कहीं झुग्गियां होती है जहां पर बाद में उनके प्रतिनिधि आ जाते हैं, पहले तो कोई लैंड का परमिशन नहीं होता। yes. पहले तो कोई बिल्डिंग का परमिशन नहीं होता, वहां पे तो कोई आरसीसी कंसल्टेंट नहीं होता, वहां पे कोई आर्किटेक्चर डिजाइनर नहीं होता, लेकिन बड़े बड़ी यहाँ पर झुग्गियां खड़ा होके एक वसात बन जाती है, एक एरिया डेवलप हो जाता है। वो होने के बाद आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दे देते हैं, लाइट दे देते हैं, एमएससीबी वाले अपना कनेक्शन दे देते हैं, सब लोग अपना अपना काम कर लेते हैं वहां पे नेचुरल तरीके से। और मेरा सवाल ये है कि जो ऑथराइज तरीके से आता है उसको 10 टाइप की अनुसूची, 10 टाइप का अड़चन निर्माण की जाती है, लेकिन अगर ये तरीके से डेवलप करें तो उसको प्रमोशन, और ऑथराइज तरीके से करें तो उसको डिमोशन। तो ये पॉलिसी जब तक चेंज नहीं होगी तब तक एनक्रोचमेंट बढ़ता रहेगा।